हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अभी लतीफ़ और आज की मेरी वीडियो बहुत मज़े की है और ख़ास तौर पे उन लेडीज़ के लिए है जो मिडोरा की लिपस्टिक यूज़ करती हैं। मिडोरा की लिपस्टिक तो मुझे लगता है पूरा पाकिस्तान यूज़ करता है क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड इस लिपस्टिक की है। मेरे पास तकरीबन 16-17 तरह के ब्रांड पड़े हुए हैं लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड इस लिपस्टिक की है और अल्लाह का शुक्र है, हमें इस पर फ़ख्र भी है क्योंकि ये हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट है और इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि इसको आउट ऑफ कंट्री वाले भी मांगते हैं, यहाँ से कस्टमर लेके अपने रिलेटिव्स को बाहर भेजते हैं। तो आज आपको मैं मुश्किल में आसान करने वाला हूँ कि आपको जो इसके सबसे ज़्यादा चलने वाले शेड हैं उनके बारे में बताऊँगा। सबसे फर्स्ट पे इसका 201 नंबर है फिस्टा के नाम से, नंबर टू पे है 208 टेराकोटा और नंबर थ्री पे है 210 हिंट ऑफ पिंक और नंबर फोर पे है 216 फ्लेवर और नंबर फाइव पे जो शेड है जिप्सी रोज 222। ये इसका सबसे ज़्यादा चलने वाला इसलिए है कि ये ब्राइडल को भी यूज़ करते हैं, ब्राइडल को जो शेड लगाया जाता है वो ये वाला है। और नंबर सिक्स पे है कॉफ़ी 225 और नंबर सेवन पे है ग्लैमर 228 और नंबर एट पे है रस्ट 287 और नंबर नाइन पे है फुल फुशिया, ये शॉकिंग पिंक कलर है। और जो एंड पे एक शेड मैंने रखा हुआ है ये वाला 30 नंबर है। गाइज ये वाला जो शेड है ये तो तकरीबन शायद पूरा पाकिस्तान यूज़ करता हो, अगर आप नहीं करते तो आप भी ये शेड यूज़ करें। ये नेचुरल सा पिंक कलर है, अंदर से ये ऑरेंज है लेकिन जब आप इसको लगाएंगे इसका बिल्कुल नेचुरल सा लाइट पिंक कलर हो जाता है। ये देखें ये शेड है और ये नेचुरल पिंक कलर आएगा इसका और ये तकरीबन हर लेडीज़ की डिमांड है। और जो लिपस्टिक नहीं यूज़ करते या चैपस्टिक भी नहीं लगाते तो वो ये शेड लगा सकते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि हल्का सा नेचुरल पिंक कलर भी देगा और साथ आपके लिप्स भी ठीक करेगा। तो उम्मीद है मुझे आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि अगर कोई आपको प्रोडक्ट के बारे में पूछना है या कोई ऐसी बात है जो आप पूछना चाहते हैं उसके बारे में मशवरा करना चाहते हैं तो उसमें कमेंट्स कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।